हाँ बताइए। आदरणीय मोदी जी, मेरे पूरे रेवाड़ी वासियों की तरफ से मैं सादर नमस्कार करती हूँ सर। नमस्ते। सर, मैं मधु यादव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने अब तक के जीवन में कई दशक देखे और कई सरकारें भी देखी, लेकिन आज जो पूरे भारत में विश्वास है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। सर, वो कभी देखने को नहीं मिला। इसमें आपको क्या लगता है सर, ये सब कैसे हो रहा है? धन्यवाद सर। रेवाड़ी की धरती हो, वीरों की धरती। यहाँ की हर माँ वीर माँ होती है, यहाँ की हर माँ की कोख से वीर पैदा होते हैं। और इसलिए जब रेवाड़ी से बैठिए, मधु जी बैठिए आप, और रेवाड़ी से जब कॉन्फिडेंस की बात निकलती है तो मुझे लगता है वो रेवाड़ी के स्वभाव का इच्छा है। देखिए, जब मन में इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब सरकार के लिए जन जन तक का महत्व हो, जन सहभागिता को प्राथमिकता मिलती हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है कि पहले भी सरकारें होती थी, कुछ न कुछ योजनाएं होती थी, लेकिन देश में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देखने को मिलता था। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सरकार का परिश्रम और 125 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ मिलता है, तब देश का कॉन्फिडेंस का पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप देखिए, लोग वही है, सिस्टम वही है, अफसर वही है, दफ्तर वही है, लेकिन आज देश विकास के पथ पर कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की एक सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने निकल करके आई है। जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है तो दुनिया भी भारत को लेकर कॉन्फिडेंट हो रही है। पहले भारत का चित्रण एक गरीब देश के रूप में किया जाता था, अब भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। पहले भारत को सांप सपेरे का देश बताया जाता था, आज भारत साइंस, स्टार्टअप और सैटेलाइट के देश के रूप में जाना जाता है। पहले भारत का चित्रण देश की सड़कों पर फैले कचरे को दिखाने के लिए किया जाता था, आज भारत का चित्रण देश में स्वच्छता पर हो रही तरक्की को दिखाने के लिए किया जाता है। पहले भारत को अंधेरे के लिए जाना जाता था, अब भारत एलईडी रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। पहले फिल्में बनती थी कि भारत में कैसे अटैक्स हुए, अब फिल्में दिखाती हैं कि भारत ने कैसे उन अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले दुनिया भर में सिर्फ बैटमैन जैसे हीरो हुआ करते थे, अब दुनिया भर के लिए बाहुबली भी एक हीरो है। योग हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात करके, आप सबका उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका उत्साह, आपकी ऊर्जा मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबको देखकर मुझे भी वो समय याद आता है जब भी आप जैसा ही एक सामान्य कार्यकर्ता हुआ करता था।